हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेट और गेट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल कार्बोनिल, मेटल एंड कार्बोनिल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या है, इसमें एक मेटल है और कार्बोनिल है। कार्बोनिल जो यहाँ पर किस चीज का वर्क कर रहा है, लिगेंड का वर्क कर रहा है। तो मेटल एंड कार्बोनिल जो होगा लिगेंड। ओके, मेटल कार्बोनिल आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन इज होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल एंड नंबर टू इज हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल। जैसे नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब जो लिगेंड होंगे, मेटल तो होगा क्योंकि होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल है, तो इसमें जो मेटल के अलावा जो लिगेंड होंगे वो सारे के सारे कार्बोनिल होंगे, तो यानी ये होमोलिप्टिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एमओ और जितने भी सारे लिगेंड है वो सारे क्या होंगे, हमारे कार्बोनिल्स ही होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल NiCO होल 4, तो इसमें जो लिगेंड है वो कितने हैं, सबके सब क्या है, कार्बोनिल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज FeCO होल 5, नाउ नेक्स्ट वन MN होल 2, CO होल 10 एक्सेट्रा, तो इसमें जितने भी लिगेंड है सबके सब क्या है, कार्बोनिल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। हेट्रोलिप्टिक नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मेटल और मेटल कार्बोनिल के अलावा, मेटल है कार्बोनिल है उसके अलावा जो लिगेंड है वो और भी और कुछ भी हो सकता है, जैसे मेटल होगा कार्बोनिल्स होंगे प्लस अदर लिगेंड होंगे, जो लिगेंड होगा वो कार्बोनिल्स को छोड़कर कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल CrCO होल थ्राइस, PpS3 होल ट्वाइस, तो यहाँ पर ये क्या है, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल। अब नेक्स्ट पॉइंट्स क्या आते हैं कि अगर कोई, अब हमें ये तो पता है कि कार्बोनिल जो होता है वो हमेशा ही दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अब हम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें पॉइंट है अगर मेटल कंट्रीब्यूट करता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स में, अगर मेटल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो क्या होगा, हमारा होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये हमारा, अगर हम होमोलिप्टिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज CO तो हमेशा हमें पता है CO क्या होता है, CO हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो अगर हम जितने भी CO लेंगे तो उससे हमें क्या मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर हमारा मेटल है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इट मीन्स हम कभी भी हमको 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो फॉलो नहीं होगा, यानी 18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होंगे। तब हम क्या करते हैं, अगर हमें 18 रूल को फॉलो कराना, यानी हमें 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल में, तो हम उसे कैसे गेन कर सकते हैं, इसके टू मेथड्स होते हैं, बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड के द्वारा या फिर बाय डाइमराइजेशन के द्वारा, इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट मोस्ट वन थिंग इज कि जो हमारा ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया हुआ है कि जो हमारा MnCO हो MnCO होल 5 होता है और CO होल 9 है, ये तो हमारे डाइमराइज के रूप में रहते हैं, सॉरी CO C4, ओके डाइमराइज, ये डाइमराइज हो जाते हैं 2 Mn2 CO होल 10 में, और इसका अगर डायमराइज करेंगे तो CO कोबाल्ट है, हाँ CO होल 8, ये इसमें डायमराइज हो जाते हैं। बट जो हमारा वेनेडियम है CO होल 6, ये डज नॉट डायमराइज, इन V2CO होल 12, तो ये मैं बताना है कि जो MnCO होल 5 है
और जो कोबाल्ट CO4 है, ये तो हमारे डायमराइज हो जाते हैं Mn2CO10 एंड CO2CO8 में, लेकिन हमारा जो वेनेडियम कार्बोनिल CO6 है वो डज नॉट डायमराइज टू V2CO10। वाई, हमें रीजन देना है। तो मैं क्या, इसका रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, तो क्या होता है, जनरली जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं हमारे बढ़ते हैं, तो 6 से 7, ठीक है, 5 तक तो ठीक है, अगर जैसे जैसे हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करते हैं 6 to 7, तो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन बन जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बनेगा तो वो डाइमराइज नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमारा जो वी है, V2CO6 जो होता है वो V2CO12 में डाइमराइज नहीं होता है। ओके, अब बात यहाँ आती, देखिए क्या है, अब मैंने क्या बताया कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एज द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 7, therefore due to steric reason, VCO6 does not dimerize. Okay guys, देखिए क्या होगा, जैसे अभी हमने कहा कि ये डाइमराइज नहीं होता क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। देखिए वी है हमारे पास, वी CO6 है, ठीक है, CO, जब ये अगर डाइमराइज होता है तो क्या बनेगा हमारा, ये सब क्या लगा है हमारे CO कार्बोनिल ग्रुप है सारे के सारे, और फिर से अगर डायमराइज होगा तो यही सेम आ जाएगा। CO, बट दिस वन इज नॉट फॉर्म, ये हमारा बनता तो है नहीं, ये नहीं होता है, फॉर्म नहीं होता है, नॉट फॉर्म, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो रही, रिपल्सन होगा तो ये इस पे स्टेबल तो होगा नहीं। जब ये स्टेबल नहीं होगा तो आप लोग क्या करेगा, आप यहाँ पे देखिए इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम के पास कितने होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ओके, 5 होते हैं, 5, और यहाँ से हमें कितने मिले, 3 6 6 कार्बोनिल, यानी 12, यहाँ से 12 + 5 कितना हो गया हमारा, 12 + 5 हमारा हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कहा, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर जब भी होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल होता है, उसकी जब भी होमोलिप्टिक कार्बोनिल, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो उसके पास कितने हो, ऑड, सॉरी, ऑड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो उसके पास हमेशा क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, उनको फॉलो नहीं करता, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता तो हम उसको 18 इलेक्ट्रॉन बनाने, ये इसमें तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो दो मेथड होते हैं, या तो हम उसका डाइमराइजेशन करा दें या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करें, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हम डाइमराइज करा रहे हैं तो ये डाइमराइज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज द स्टेरिक हिंड्रेंस इज फैक्टर। ओके, बहुत ज्यादा स्टेरिक क्लाउडिंग बहुत बढ़ चुकी है, तो जिसके कारण ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, जिसके कारण जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहां पर किस मेथड के द्वारा हम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होंगे, ओनली वन ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन, तो क्या बचा यहां पर हमारा, ओनली वन ऑप्शन बचा हमारा, क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ओके गाइस, तो दिस इज, तो हम क्या करेंगे, ये कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा, हाँ, क्या करेगा ये, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। आई होप गाइस आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाया। अगर आपको ये समझ में आया और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।